أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد کچھ علامتیں ہیں
क्या हमारी गुफ्तगू से, हमारी अंदाज गुफ्तार रफ्तार से उसका इजहार होता है, हमारी जान कुर्बान हो जाए। सादिक आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बहुत ही अहम मौजू है। और इंशाल्लाह देखिए मैं जिस मकसद के तहत मैं किसी भी मौजू पर मजलिस पढ़ूँ, किसी भी मौजू पर मजलिस पढ़ूँ, मेरा मकसद यह है कि जब आप हजरात यहाँ से उठें तो रिस्क विलायत के साथ साथ रिस्क इल्म में इजाफा हो। हमारी जान कुर्बान हो जाए कितनी बेहतरीन तारीफ की है तकवे की। इमाम फरमाते हैं कि देखो ईमान नाम है सिर्फ किसी चीज का यकीन पैदा करके अपनी जबान से उसका इजहार कर देना। यह ईमान तो कहा कि मौला में तकवा क्या है, कहा किसी चीज की इकरार करने का नाम तकवा नहीं है। अजीब तारीफ है, किसी चीज पर यकीन पैदा करके अपनी जबान से इजहार कर दो इसका नाम है ईमान। अब सुनेंगे आप ईमान लाने के बाद जो चीज इंसान के आजा और जवारे से जाहिर होती है उस असर का नाम है तकवा। क्या क्या तकवा तो खुद असर का नाम है, अगर तकवा है तो उसका इजहार होगा, तकवा है तो जाहिर होगा। कल मैंने दो मकातिब फिक्र का तस्करा किया था और मौजू हमारा तकवा ही था और उसके साथ हमने बहुत ही इंतजार के साथ जनाब खदीजा के सिलसिले में तवरुकन चंद बातें आकर खिदमत पेश की थी। दुनिया के दो मकातिब फिक्र मैंने सबसे पहले आपके सामने सरमाएदाराना निजाम जो है कैपिटलिज्म उसका तस्वुर पेश किया था और उसके साथ साथ जो फिर मसले इशराकी इश्तराकियत है जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश किया और मैंने सिर्फ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो को मौसूल कराया था कि कैपिटलिज्म वही है कि जहां इंसान सरमाएदार बन जाता है और सिर्फ सरमाएदार नहीं बनता उसकी जहनीयत सरमाएदाराना जहनीयत बन जाती है जो आज के मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हो रहा है जो मादा परस दौर में हो रहा है कि हम खाली सरमाएदार नहीं है हमारी जहनीयत सरमाएदाराना जहनीयत है। आज वो नौजवान जब सोशलिज्म की स्टडी करता है तो चूंकि उसके फंडामेंटल्स कमजोर हैं, बुनियादी अकायद कमजोर हैं, तो वो सोशलिज्म की स्टडी करने के बाद ये कहता है कि इस्लाम सोशलिज्म से बहुत क्लोज है, ऐसा लगता है कि आपस में कोई राबता है, कोई तराबत है। क्यों? कहा कि सोशलिज्म का नजरिया भी इसीलिए पैदा हुआ कि कैपिटलिज्म की अदावत में था और इस्लाम भी मुखालफत करता है कैपिटलिज्म की। लेकिन मैं अपने नौजवानों से बताना चाहता हूं और कल भी मैंने इसी बात पर जोर दिया था कि इस्लाम की जो अपनी थिंकिंग है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, हमारा निजाम इंडिपेंडेंट है। या आप सोशलिस्ट हो सकते हैं या मुसलमान, बेवक्त आज का नौजवान जो ये कहता है फैशन में आने के बाद कि हम मार्क्सिज्म के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, हम सोशलिज्म के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो या आप सोशलिस्ट हो सकते हैं या मुसलमान रह सकते हैं, बेवक्त दोनों नजरिए को कबूल नहीं कर सकते। याद रखिए इस्लाम और है सोशलिज्म और है। सोशलिज्म की बुनियाद इस बात पर है कि जो कैपिटलिज्म है उसकी जड़ों को उखाड़ दो, यानी अदावत की बुनियाद में वजूद में आया। जब अदावत है तो जज्बे इंतकाम तो है, जज्बे इंसाफ इसके पास नहीं है। इस्लाम वो नजरिया है जहां जज्बे इंसाफ तो है, जज्बे इंतकाम नजर नहीं आता है। सोशलिज्म क्यों वजूद में आया? क्या सरमाएदारों की ईंट से ईंट बजा दो, मालदारों का नामो निशान बजा दो, यह है सोशलिज्म। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम का नजरिया यह है कि नहीं, मालदार मालदार रहे, सरमाएदार सरमाएदार रहे, मगर सरमाएदार की जहनियत सरमाएदाराना जहनियत में तब्दील ना हो जाए, इस नजरिए का नाम इस्लाम। और दोनों की मिसालें क्या है? एक तरफ सरमाएदार है उसका नाम कारून है, दूसरी सरमाएदार है उसका नाम खदीजा है। यहां भी सरमाएदार है मगर कुरान इसकी दौलत को अपनी दौलत बता रहा है, कुरान इनकी शरबत का कसीदा पढ़ रहा है, दूसरी तरफ कारून है अल्लाह कुरान में उसकी कदा भी कर रहा है, उसकी मजम्मत भी कर रहा है। दो सरमाएदार आपके साथ
एक जनाब भतीजा है, ये मलीका तुलारा है, ये अरब की शहजादी है, यमन से लेकर मिस्र तक, मिस्र से लेकर शाम तक तमाम मंडियां, सारे बाजार इनके मकरूज है, मक्का और मदीना इनके दस्तरखान पर बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन ज़हनियत क्या है, जनाब खदीजा का किरदार क्या है, तकवा किस मंजिल पर है, इस्लाम के आने से पहले का जैसे ही तराजू के एक पल्ले में अपनी दौलत को रखा और तराजू के दूसरे पल्ले में सरकार रिसालत के कमाल को रखा। क्या अभी इस्लाम नहीं आया, अभी वो राज है जिस राज से अल्लाह के रसूल ने पर्दा नहीं उठाया है, मगर तराजू के एक पल्ले में दौलत है, तराजू के दूसरे पल्ले में सरकार का कमाल है, सरकार का किरदार है, सरकार की अजमत है। बेसाखा जनाब खदीजा ने देखा, अपनी मार्फत की निगाहों से देखा कि जो हमारा पल्ला है दौलत का उठता जा रहा है और जो कमाल का पल्ला है वो झुकता जा रहा है। बस बेसाखा कहा का ये शहजादा सिर्फ इस काबिल नहीं है कि इनके साथ तिजारत की जाए, सिर्फ इनके साथ तिजारत की जाए, बल्कि ये तो इस काबिल है कि सारी दौलत इनके कदमों में ले जाके रख दी जाए। क्या हुआ, अगर हम दौलत की शहजादी, दौलत की मलिका है, तो सामने वो शख्सियत है जो कमाल का शहजादा है। मैंने कल आपके सामने कहा था और मेरी कल की मजलिस का यहां से इंसराब है, यहां से इर्तबात है, यहां से ताल्लुक है। अब इस बात का इंतजार नहीं है कि पैगाम सरकार की तरफ से आए, बल्कि जनाब खदीजा ने दुनिया को क्या मैसेज दिया का देखो कमाल है जो दौलत के दरवाजे पर नहीं जाएगा, ये दौलत है जो चल के कमाल के दरवाजे।